मुस्तफा आपके जैसा कोई आया ही नहीं। अरे मुस्तफा आपके जैसा कोई आया ही नहीं, मुस्तफा आपके जैसा कोई आया ही नहीं। अगर बात सच्ची है तो जरा झूम कर कह दें और जरा बुलंद आवाज से कह दें सुभान अल्लाह। सानी मिश्रा सुनेगा और तड़प जाएंगे क्यों नहीं आया कि मुस्तफा आपके जैसा कोई आया ही नहीं, कि मुस्तफा आपके हर मुस्तफा आपके जैसा कोई आया ही नहीं। अरे आता भी कैसे सरकार की आमद, सरकार की आमद। बहुत बढ़िया, क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वही बहुत बढ़िया, वही फुरकान भाई बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बढ़िया। मोहब्बतों के साथ झूमकर कह रहे हैं सुभान अल्लाह कि मुस्तफा आपके जैसा कोई आया ही नहीं, मुस्तफा आपके जैसा कोई आया ही नहीं, कि मुस्तफा आपके हर मुस्तफा आपके जैसा कोई आया ही नहीं। अरे आता भी कैसे सुभान अल्लाह जिंदाबाद। कि कोई सानी न है रब का न मेरे आका का, कोई सानी न है रब का न मेरे आका का, कोई सानी न है रब का न मेरे आका का, के कोई एक का जिस्म नहीं एक का साया ही नहीं, हर एक का जिस्म नहीं एक का साया ही नहीं। जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे भाई फिर से बोलिए, शमी भाई बहुत अच्छा, भी बहुत अच्छा, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है। शमी भाई बहुत अच्छा, अरे वाह। मुस्तफा आपके जैसा कोई आया ही नहीं, अरे कोई सानी न है रब का न मेरे आका का, अरे कोई सानी न है रब का न मेरे आका का, कोई सानी न है रब का न मेरे आपके जैसा कोई आया ही नहीं। ये भी शेर मोहब्बतों के साथ नज़्र करता हूँ, मोहब्बतों के साथ झूमकर कह दें सुभान अल्लाह। कि कब्र में जब कहा सरकार ने ये मेरा है,
अरे जरा झूम कर कह दे सुभान अल्लाह कि कब्र में जब कहा सरकार ने ये मेरा घर, कब्र में जब कहा सरकार ने ये मेरा घर, कि कब्र में जब कहा और कब्र में जब कहा सरकार ने ये मेरा है, और फिर फरिश्तों ने मुझे हाथ लगाया मुस्तफा पुके जैसा कोई आया ही नहीं। और रब तबारक व तआला ने अपने महबूब को कैसे सजाया है, एक शेर पढ़ता हूँ मोहब्बतों के साथ झूम कर कह रहे हैं सुभान अल्लाह कि जुल्फे वल्लैल है रुख वद्दुहा माज़ागा के, अरे जुल्फे वल्लैल है रुख वद्दुहा माज़ागा के, जुल्फे वल्लैल है रुख वद्दुहा माज़ागा के, के जुल्फे वल्लैल है अरे जुल्फे वल्लैल है रुख वद्दुहा माज़ागा के, अरे इस तरह रब ने किसी को भी सजाया ही नहीं, अरे इस तरह रब ने किसी को भी सजाया ही नहीं, मुस्तफा आपके जैसा कोई। भाई शमीम भाई बहुत अच्छा, भी जिंदाबाद। हम लोग जब हज के लिए जाते हैं तो हज के जितने अरकान हैं पूरा करने के बाद मदीना शरीफ में हाजिरी देते हैं, सरकार की बारगाह में हाजिरी होती है, इसलिए कि तारे ताकि मेरा हज मकबूल हो जाए। लेकिन कुछ लोग वो है जो मक्का ही से वापस आ जाते हैं, मतलब मदीना क्या जाना, हज के अरकान तो मक्का ही में है, मदीना क्यों जाऊं। हजरत उनके लिए एक शेर मोहब्बतों के साथ, और देखता हूं कि किस किस कोने से नारा लगता है। बड़ा खूबसूरत शेर उलमाए किराम के हवाले से आप तक पहुंच रहा है मोहब्बतों के साथ, झूम कर कहते हैं सुभान अल्लाह। ओ चाय वाले भैया जल्दी से आ जाओ या फिर बैठ जाओ, जिधर जाना है। मैं यहाँ अभी जमजम पिला रहा हूँ यार। मोहब्बतों के साथ झूमकर कहते हैं सुभान अल्लाह कि लौटी कर आ गया मक्के से मदीना न गया, अरे लौटी कर आ गया मक्के से मदीना न गया, लौटी कर आ गया मक्के से मदीना न गया, के लौटी कर आ गया अरे लौटी कर आ गया मक्के से मदीना न गया, अरे कैसे जाता तुझे आका ने बुलाया, ताजु शरिया ताजु शरिया। भाई बहुत बढ़िया भाई, भाई शमीम भाई लुक दिया ने साथ, क्या बात है विक्रम। शमीम भाई फिर से इसको आवाज दीजिए। कि मुस्तफा पुके जैसा कोई आया ही नहीं, अरे लौटी कर आ गया मक्के से मदीना न गया, अरे बोलिए ना, अरे लौटी कर आ गया मक्के से मदीना न गया, लौटी कर आ गया मक्के से मदीना न गया, जाता